बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरी तरफ से तमाम आलमे सलाम को, तमाम दुनिया के मुसलमानों को दिल किया था गहराइयों से ईद मुबारक। मैं आपका वकास खान और मैं आपसे खुसूसी आज एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तमाम आलमे सलाम को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इस खुशी के मौके पे ईद एक खुशी का अल्लाह वाला एक रहमतों वाला बाबरकत दिन है और इस दिन तमाम मुसलमान याद रखें कि फलस्तीन में मुसलमानों के साथ वो हमारे भाई हैं, वो बच्चे, वो बूढ़े, वो जवान, वो औरतें जिनको शहीद किया जा रहा है, जिनके साथ जुल्म किया जा रहा है, बर्बरियत की जा रही है, ये कफार जो कर रहे हैं, इन खुशियों में उन फलस्तीनियों को भी याद रखें और उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन ये 57 इस्लामिक ममालिक हैं, अल्लाह ताला कोई ऐसा हुक्मरान पैदा करे, कोई ऐसा सलाहुद्दीन अयूबी पैदा करे, कोई मोहम्मद बिन कासम पैदा करे, कोई सुल्तान महमूद गजनवी जैसे हुक्मरान अल्लाह पैदा करे कि जो दोबारा फलस्तीन के खित्ते को आज़ाद करवाएं, बैतुल मुकद्दस को आज़ाद करवाएं, कश्मीरियों को आज़ाद करवाएं और जहां जहां भी मुसलमानों के साथ ये कफार जुल्म कर रहे हैं उनके लिए तमाम इस्लामिक ममालिक खड़े हों। अल्लाह आप सबका हामी व नासर हो। अल्लाह आपको ईद की खुशियां और ईद के इस मौके पे अल्लाह तमाम आलम इस्लाम को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम।